हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तो ये कहूँगा पहले कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा है, ये मैं जो बताने वाला हूँ, ये जो स्क्रैच के लिए काफ़ी ब्लैक स्पॉट हो गए हैं उसके लिए है, या फिर जो है स्क्रैच आ जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, मोस्टली जो है थाइस पे हो जाते हैं, एब्डोमिन पेट पे हो जाते हैं, बाजू पे हो जाते हैं, या फिर नेक पे हो जाती है। मोस्टली ये जो है प्रेगनेंट लेडी जो है उसमें हो जाते हैं। काफ़ी उनका जो वज़न जो है सडनली उनका जो है रैपिड होता है, या फिर रैपिडली इंक्रीज़ होता है, फिर उसके बाद जो है डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो नुस्खा है उसके लिए, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए एक अदद वेजलिन, उसके अलावा आपको कोलगेट टूथपेस्ट चाहिए, और आपको चाहिए विस्क पॉम चाहिए, और उसके अलावा आपको जो आलमंड आयल है ये आपको चाहिए, आलमंड का बजाज कंपनी का, और प्लस में आपको चाहिए चंदन। ये आपको इजीली जो पंसार की शॉप पे हैं इसमें आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने एक स्पून जो है वेजलिन हमें चाहिए, और हमें विस्क बाम लाई, विस्क बाम हमें हाफ स्पून तक में चाहिए, इतना सा चाहिए, बस इतना सा काफ़ी रहेगा। और हमें आलमंड ऑयल, इसके फ्यू ड्रॉप्स आप इसमें ऐड करेंगे। और ये टूथपेस्ट, कोलगेट की हो या कोई भी हो, आप ये यूज़ करें। और दूसरा चंदन, ये मैंने पीस के रख दिया है चंदन, ये आपको चंदन थोड़ा सा, अगर नहीं भी चंदन मिले तो भी फिर भी ठीक है, ठीक है, अगर मिल जाता है तो पंसार की शॉप पे तो फिर सही है, अच्छा है इसके लिए, अगर ना मिले तो फिर भी सही है। ये इंग्रेडिएंट आप इसको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तक इसको आपने मिक्स करने का, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए दोस्तों, ये जो इंग्रेडिएंट हमारे पास, ये सारे जो इसमें मिक्स हो चुके हैं और ये हमारे पास तैयार है, बिल्कुल रेडी है। और चलिए मैं ये आपको बताता हूँ हमने वेजलिन क्यों मिलाया था। वेजलिन क्या करता है, वेजलिन जो है स्किन को नरिश करता है, और स्किन को हमारी को नरिश करता है, डिहाइड्रेट होने से बचाता है, और हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है। तो तभी हमने इसमें वेजलिन मिलाया। उसके बाद हमने मिलाया था चंदन। चंदन हमारे स्किन को क्या करता है, चंदन जो है हमारी स्किन को कूल रखता है, ठंडा रखता है, ठंडा रखता है, और हमारे जो पिम्पल्स वगैरह हो गए या फिर ब्लैक जो स्पॉट्स हो गए वो हमारे जो स्किन के हैं वो रिमूव करता है। और हमने उसमें उसके बाद हमने मिलाया था कोलगेट टूथपेस्ट। कोलगेट टूथपेस्ट मेरे पास तो ये इसमें ये ब्लू वाली है, आप इसमें वाइट वाली ले लीजिए, ले लें, या फिर ब्लू वाली भी ठीक है, और पर हो कोलगेट की। प्लस में इस ये हमने इसलिए मिलाई कि क्योंकि ये टूथपेस्ट जो है ब्राइटनिंग एंड टाइटनिंग करती है, वाइट को जो स्किन है हमारी स्किन को टाइटनिंग करती है और ब्राइटनेस देती है। और इसके अलावा हमने जो है विस्क जो है बाम मिलाया था। ये इस बाम का ये काम है कि हमारे जो स्किन है इसको सॉफ्ट करता है, और इसके अलावा ये हमारी स्किन को नरिश भी करता है। इसके अलावा हमने इसमें मिलाया था आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल से जो स्क्रैच हैं, दाग धब्बे जो हैं, वो जो है इसको ये ख़त्म करने में मदद देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये लगाते हैं इसको कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी स्किन को वॉश कर लें, वॉश करके उसके बाद आप अपनी अच्छे सोप से इसको वॉश कर लें, उसके बाद आप इसको ड्राई करें, अपनी स्किन को ड्राई करके फिर आप क्या करें, थोड़ा सा इतना सा ऐसे लेके, ऐसे ऐसे लेके अपनी स्किन को आप सर्कुलर मोशन में ऐसे रब करें, ऐसे रब करें,
दो से तीन मिनट तक सर्कुलर मोशन में आप इसको ऐसे रब करें। और ये आपके पास ये जो है 2 से 3 घंटे जो है ये लगी पड़े आप आपके पास स्किन को जो है लगी रहे। उसके उसके बाद आप इसको अच्छे से कपड़े से जो है अच्छे कपड़े से या साफ़ कपड़े से आप इसको ड्राई कर लें या क्लीन कर लें, वॉश कर लें। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और स्टे ट्यून विद माई चैनल एज़ वेल एज़ थैंक यू।